तो तू मम्मी, अब मैं आंटी को बताऊंगी। तो आंटी को क्या बताएगी? ठीक है, लाखों रुपए उड़ाए कर लूंगा, एज लॉन्ग एज तू ढंग की ड्राइव करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ड्राइव नहीं कर रही अभी, झूठ मत बोल। तेरे को कैमरे की कसम है, अभी बता दे। या देखो कैमरे की कसम है, रोटी अगर बात रोटी पे आ जाए तो फिर बंदे को सच बता दे। हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग। सो आफ्टर लॉट ऑफ टेस्टिंग फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं सीख गया हूँ इस कैमरे की सारी सेटिंग, और फर्स्ट व्लॉग आज करने जा रहा हूँ। सलोनी बाहर वेट करिए, बहुत सारा सामान उसका लेके जा रहा हूँ। क्या क्या सामान है कार में जाके बताता हूँ, बस शी इज राइट देयर एट द गेट। आज हालत ठीक लग रही है, रिपेयर हो के आई है, अदरवाइज तो साइड मेरे टूटे हुए होते हैं। यार ठीक है तू चला लियो, पर विंडो तो रोल डाउन कर दे। यार मैं चलाऊंगा यार, बाकी सामान छोड़ो। तेरे प्रोटीन नहीं चाहिए? तुझे प्रोटीन चाहिए ना? हाँ प्लीज़ बोल, प्रोटीन लाओ यार, उठा के लेके अपना प्रोटीन, इतना महंगा प्रोटीन है। चल मैं लेके आता हूँ। एक तो तेरी गाड़ी बहुत छोटी है यार, तो उससे ना जो वाइड व्यू वो पूरा कैप्चर होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अगली बार पापा के लिए करूँगा। नहीं कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी आने वाली है ना अगले महीने, तो उसके अंदर आराम से घूम पाएंगे, है ना? हाँ, फिर मैं चलाऊंगी। हाँ तू चला लियो, मैं व्लॉग कर लूंगा, एज लॉन्ग एज तू ढंग की ड्राइव करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छी ड्राइव कर रही है, दो बार बच्चे बच्चे हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए, जहाँ पे वी वर सपोज टू रीच अराउंड 1 o'clock, जो कि मैडम कह रही थी 1 बजे तक मैं घर आ जाऊंगी तेरे। हाँ, 2 o'clock का टाइम था। कल बाय द वे ये प्लान था, तो कल फर्स्ट व्लॉग लाइव जाना था, बट बंदी का मन था नहीं, और मैं सोया हुआ था यार, मैं सोया हुआ था। तो इसने एक बार बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें के लिए मम्मी को फोन करती है कि वरुण ने वहां पे ये पी लिया, वहां ये कर लिया, पर इससे उठाया नहीं, आराम से इसने मुझे उठाया नहीं, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लेजी फील हो रहा था। बात तो सच्ची है, लेजी फील करूंगी, 8 बजे की उठी हुई थी। नहीं, इसको बहुत ज्यादा लेजी फील हो रहा था, 8 बजे उठी हुई थी, तुझे सोने का मन था यार, रुबिका। और दो चीजों का ख्याल रखना है, मेरे हाथ में बहुत भारी गोरिल्ला पॉड है और उसके ऊपर बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा है। सेकंडली व्लॉगिंग में दो चीज का ध्यान देना, एक तो मुझे मारना नहीं, क्योंकि कैमरा कहीं टकरा गया तो फिर मैं टकरा जाऊंगा कहीं पे। और दूसरे, और सुन एक सेकंड, अभी यहाँ एक तो टक्कर हो जाती, ठीक है? सुन, दूसरा जब भी कोई व्लॉग कर रहा है तो दूसरे बंदे को गाड़ी बंप ही नहीं चलानी, मतलब अच्छी राइड क्वालिटी देनी है, कि कैमरा हिले ना। अबे तो धीरे चलाना गाड़ी को, इतनी तेज कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। हम लेट हो गए, फिर भी आराम चला, राइट ले, बहुत धीरे धीरे चला। और एक और चीज, गाड़ी में नो गाने जब व्लॉग ऑन है, क्योंकि वो यूट्यूब का कॉपीराइट इशू आ जाता है। आफ्टर 2 सक्सेसफुल टेस्ट, आज फर्स्ट व्लॉग डाल रहा हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आए। तेरा तो व्लॉग कभी डलेगा नहीं, तो वो सब YouTube पे सब कुछ हट जाएगा, वो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाएगा, वो चलेगा नहीं, मोनेटाइज नहीं होएगा। भैया इसको विश्वास नहीं हो रहा, ये मेरा कैमरा है, कह रही है सिद्धार्थ का कैमरा है। मुझे कहा था मैं नहीं लूंगा, हाँ, बट मैंने ले लिया ना, क्योंकि जरूरत थी कैमरे की यार, तो मैंने कहा कैमरा खरीद लेते हैं, अपने पास एक व्लॉगिंग के लिए परमानेंट कैमरा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए 24/7। वही तो गरीब लोगों को समझ नहीं आएगा कि माइक कहाँ पर है। माइक यहाँ पर है दीदी जी, ये देखो ये ऊपर एक माइक है और एक वायरलेस माइक यहाँ पर लगा हुआ है मेरे, तो यहाँ से आराम से गड्ढा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से कंटिन्यूअस व्लॉगिंग होगी बिना किसी तार और झंझट के। तूने मेरे से झूठ बोला ना, तू कह रहा था नहीं नहीं मैं, तू अबे तू मम्मी को बता देती। अच्छा, और तूने उसको सिद्धार्थ को भी ये बोला था ना कि झूठ बोलियो, तो तू मम्मी, तो देख अब मैं आंटी को बताऊंगी। तो आंटी को क्या बताएगी? ठीक है, बताऊंगी लाखों रुपए उड़ाए कुछ 30,000 रुपए कैमरा है पूरा ये, देख अरे सिर्फ कैमरा सच में 30,000 का है, और ये माइक है छोटा सा 3-4 हजार का, और क्या बकवास मत कर दे। अबे माइक में कितने का वो तेरा वायर वाला माइक 600-700 रुपए का आता है, गोरिल्ला पॉड ये भी सस्ता 4-5 हजार का है। बकवास मत कर, 12,000 का लेकर आया तू। नहीं नहीं सस्ता है, यानी पूरा सेटअप 50,000 का लेकर। अरे किस्तों पे है यार सब कुछ, किस्तों तो भरेगा ना, कोई टेंशन नहीं है, जब तक चल रही है ना जिंदगी चलते रहने दो यार। यार अपने बंदों को कुछ सपोर्ट में, मतलब कुछ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यार, कर रहा था गाने में व्लॉग करूंगा, व्लॉग करूंगा, तो इसलिए अब मुझे समझ आया। तो यार एक क्वालिटी कंटेंट आपको देना चाहिए अपने जो व्यूअर्स हैं उनको, और मैं चाहता हूं कि मैं कंटीन्यूअस डालूं। गाइस सो फाइनली आफ्टर बम्पी राइड हम खान मार्केट पहुंच चुके हैं। सलोनी कैसी ड्राइव करी तूने? बहुत अच्छी। इतनी गंदी ड्राइव, मतलब तेरे को पहुंचा दिया था मम्मी, मम्मी की कसम इतना गंदा ड्राइवर मैं लाइफ में देखा, और इतने गंदे ड्राइवर से मैं लाइफ में कोई बैठा नहीं हूँ, अपनी लाइफ रिस्क पे रख ही नहीं सकता भैया मैं इसके साथ। इसने मुझे गाड़ी दी नहीं पूरे रास्ते, मैं कैमरे की सेटिंग वेटिंग में लगा रहा, बट बहुत ही स्ट्रेसफुल ड्राइव थी। फोटो अच्छी आई है ना? फोटो अच्छी आई, यस। और यार एक चीज और सीखनी है, जो गाड़ी में हमने ब्लॉग बनाया था ना, तो उसके अंदर स्क्रीन में तू नहीं दिख रही थी, तो मैं तो इसके अंदर घुसा हुआ हूँ, तो तुझे भी ध्यान रखना है कि तू एट ऑल टाइम स्क्रीन में देखे कि हाँ तू फिट आ रही है। नहीं आ रही रेडी के वो कर रही हूं, मेरे को दिखना है यार, मैं बिल्कुल रेडी नहीं है, मैं ना बेयर स्किन आया हूँ बिल्कुल, क्योंकि ना मेरे ना वो जाता ना
क्योंकि आज बहुत लंबा दिन है यार हमारा। पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मूवी का नाम क्या है? किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला। किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला, और दोनों हमारे फेवरेट है। दोनों हमारे फेवरेट है। मेरा फेवरेट किंग कॉन्ग, मेरा गॉडज़िला फेवरेट है। मैं गॉडज़िला को जीतना देखना चाहता हूं। तो बहुत लंबा दिन है, बहुत मजेदार डे होने वाला है। अभी पहले खाना खाने जा रहे हैं, लंच कर लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। बट मैं हेल्दी खाऊंगा, मैं डाइट पे हूं। मैं भी हेल्दी खाऊंगा, मैं भी डाइट। ठीक है, चलें। पर पता क्या कर रही है? ये बेसिकली कैमरे का प्राइस चेक करिए, कितने का कैमरा है, कि मम्मी को जाके बोले कि इतना महंगे पैसे खर्च कर दिए, कुछ बना नहीं रहा है। फिर फोन करेगी इस पर अच्छा प्राइस नहीं आ रहा इस पर, फिर फोन करेगी वो सो रहा है, सो उठा दो कितने व्लॉग बना ले। हाँ, दिस इज द कैमरा, थैंक यू। नहीं, सस्ता है, 20-25 हज़ार का यार। ये देखो बदतमीजी आजकल के। और अब मुझे देखना है एक बारी, मैं निकालते हुए दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, एक और बार, चलो बहुत बढ़िया करता हूँ। क्योंकि गाइस मैं प्रो नहीं हूँ, ये सब मेरी पढ़ाई शिक्षा में ही नहीं है कभी से। तो ये मेरे को तो कॉलेज क्या है, मतलब यार ये सब तुम्हें से होता नहीं है। झूठ मत बोल, अभी तो तेरे सामने पीता हूँ, नहीं पीता ना मैं, ये स्मोक नहीं करता ना। हाँ जो स्मोक करता हूँ जल्दी छोड़ दूंगा, बट ये स्मोक मैं डेफिनेटली नहीं करता, मुझे पसंद नहीं आता। सो दिस इज माई सैलेड। सरोनी का चिली पनीर, मेरा वजन मोहितो, सलोनी की मार्टिनी, सलोनी के फ्रेंच फ्राइज और सलोनी के ही शामी कबाब, मेरी सैलेड। अच्छा, सो लंच इज डन। कैसा था लंच? अच्छा था, मजा आया बहुत। मैंने तो हेल्दी खाया यार, बट मेरा भी हेल्दी था इन अ वे। थोड़ा सा वजन मोहितो पी लिया, थोड़ा सा पांच पी है इसने, पांच। मैं पांच पी गया यार, वो इतने अच्छे लगे। थोड़ा सा भाई यार मेरे साथ प्रॉब्लम भी क्या है, मैं डाइट करता हूँ ना तो इस तरह से नहीं करता कि कोई कहे कि मर रहा है, मतलब परेशान से बड़ा ईट ना। मैं बाहर जाता हूँ, मूवी गया हूँ तो मैं जाके पॉपकॉर्न भी खा लेता हूँ, सो आई एंजॉय लाइफ। अगर डाइट भी कर रहा हूँ, वर्कआउट जर्नी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तब भी आई वॉन्ट टू एंजॉय द फेस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं डेड हो जाऊँ। तेरी आवाज़ नहीं आएगी। दिस इज दिस वायरलेस, वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर का ये तो फायदा है ना कि मैं कितने भी दूर जाऊँ मेरी बात आवाज़ आ जाएगी। एक बार जाइए और टेस्ट करते हैं इसको, मेरे ऊपर फोकस तो रख तू, वो मुझे ट्रैक करेगा। और दूर चली जा, मैं ही खड़ा हूँ। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, मो बैक। ठीक है, सो अभी तक भी मतलब ये मतलब कह रहे हैं कि इन लोगों का वो है कि 900 meters अगर एक स्ट्रेच पे है ना तब भी मेरी ऑडियो रिसीव होगी। बाकी देखेंगे यार, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं बाहर, देखना। ये देख, थोड़ी देर से 2 सेकंड बाद लेगा। हाँ जी सर, सो हम पहुंच गए प्रोमिनेंट मॉल। वीडियो को इधर ही एंड करते हैं क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, शूटिंग तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है। और ये कैमरा भी बहुत बड़ा है, पर नहीं कैमरा बड़ा नहीं, कैमरा बड़ा कॉम्पैक्ट है। हम व्लॉग को एंड करें, इसने मुझे लंच करते टाइम प्रॉमिस किया था कि जब हम व्लॉग बनाएंगे तब बताएगा मुझे कि क्या प्राइस है कैमरे का। यार 50,000 से ऊपर की चीज नहीं है ये। मैंने Amazon पे सर्च किया और उस पे 1.5 लाख आ रहा है। मैं बता दूं कैमरा जो है 20,000 का है। सच सच बता दे, लेंस इसका 7,000 का है। G7X जो है वो 40,000 का आया था, वो पिन्ना सा कैमरा विदाउट बिल लिया है। इतना बड़ा कैमरा 20,000 का है, विदाउट बिल भी तो लिया है। चुप कर जा, बता दे सच सच, तेरे को कैमरे की कसम है, अभी बता दे। या देखो कैमरे की कसम है, रोटी अगर बात रोटी पे आ जाए तो फिर तो बंदे को सच बता दे। अब बता दे, सच बताना ही पड़ेगा। सी जो कैमरे का जो कॉस्ट पड़ा है वो है 1,40,000। आंटी को बताऊंगी जो, और उसका जो लेंस का जो कॉस्ट है 7,000। झूठ मत बोल, लेंस का जो कॉस्ट है दैट्स 79,000। 79 का तो लाया लेंस, और जो उसका माइक है दैट्स 18,000। सही में? और गिम्बल इज 6,000। अर्लियर जो मैंने लिया था वो 5 के था, वो 12,000 कुछ का था, बट क्योंकि थोड़ा लंबा गिम्बल था और मेरा इससे काम चल रहा था, वेट संभाल रहा था, 3 किलो तक संभाल सकता है, सो आई बॉट 3K गोरिल्ला पॉड जोबी का, एंड अच्छा काम कर रहा अभी तक। तो ये सारा जो सेटअप है, और एक लाइट भी लिया था अपना, तो
तो सारा 2.5 लाख का सेटअप आया। बट ठीक है यार, अभी इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उससे कुछ बिजनेस से रिटर्न आएगा ना। अगर इस ब्लॉग पर लाइक नहीं आए ना ज्यादा तो तू नहीं, अभी यार अभी पर क्या एक्सपेक्टेशन करना खराब है कि ब्लॉग पर लाइव आएंगे भाई। अब तो तुम ये जितने लोग अब देखने भी आएंगे ना तो तुम तो तोड़ तोड़ के सब्सक्राइब करो। यार मेरे हिसाब से पता है मैं क्यों इसको खरीदा है, मेरा रीजन क्या है खरीदने का, क्योंकि लोग मैं बताता हूँ, लोग मैं बताता हूँ, लोग हमें YouTube पे देखते हैं, हमारी वीडियोस Instagram पे देखते हैं, उनको पता है क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, साफ वीडियोस बनाते हैं। मेरी बात तो सुन, तो लोगों को पता है कि यार ये लोग इस क्वालिटी का कंटेंट देते हैं। अब मैं फोन से बनाने लगूं व्लॉग या सस्ते कैमरे से उनको मजा नहीं आएगा देखने में। बहुत अच्छा है, बट इतना पैसा कौन खर्चता कैमरे पे? ठीक है, और इसे मुझे बताया तक नहीं, इतना झूठ है। तो मम्मी को बताती, मम्मी किचकिच करती, कहती मम्मी अभी भी किचकिच करेगी जब मम्मी, क्योंकि मेरे पास ना सब कुछ है, मतलब बैकड्रॉप है, कपड़े वाला है, दो बड़े बड़ी शीट है, पर मेरे पास कैमरा नहीं है, लाइटें हैं मेरे पास, मतलब गिम्बल तक है जो मैंने आज तक चला के नहीं देखा, मतलब मेरे वीडियोग्राफर चलाते हैं, मेरा अपना पर्सनल गिम्बल भी है। हाँ, सो बात ये है कि प्लानिंग यही थी कि यार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हाँ तो नोनी लग रही है, तो नोनी है ही ना, अभी ले रहा हूँ मैं। हाँ तो बात यह है कि इन्वेस्ट करा है, बट मेरे हिसाब से 2 साल में कॉस्ट रिकवर हो जाएगी अगर चैनल को अच्छा प्यार और सपोर्ट मिल गया। हाँ तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वो बहुत जरूरी है, तभी रिकमेंडेड वीडियोस में हमारी वीडियो आएगी और लोगों तक वो वीडियोस पहुंचेगी। एंड वी हैव अ लॉट टू डिस्कस, बहुत कुछ है बात करने के लिए, फिटनेस है, फैशन है, लाइफस्टाइल है, बहुत कुछ है, बतेरी चीजें बातें करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, विल बिल्ड अ नाइस गुड कम्युनिटी एक फॉलोअर्स की अपने, एंड कुछ अच्छा अच्छा क्रिएट करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड चीयर्स, गुड नाइट।